हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू ड्यूला पॉइंट चैनल। आज हम करें क्लास 7 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है इन्वेंशन ऑफ रीटा वर्म। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो चैप्टर है, ये आपका 7 चैप्टर है। इसके इसमें दो स्टोरी है, ठीक है। एक तो कैट और फादर वाली वो स्टोरी है, और एक ये फर्स्ट जिसका ये वाला है, और दूसरा सेकंड वाला वो है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड हो जाएंगे, और ये चैप्टर मैं आपको समझा दूंगी। स्टार्ट करते हैं। The invention of Rita Wurm. Mr. Willy Wurm began by invention of यहीं से स्टार्ट करते हैं। Which make the people younger, but the worm का white too strong. ठीक है, so some the people and disappear. Their age become minus one. क्या कहते हैं, one person actually become minus 87, which means he got weight and 87 years. But before he cannot come back, Mr. Willy Wurm का must invent a new thing. तो यहाँ पे एक क्या कहते हैं साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या कहते हैं इन्वेंट करी होती है उन्होंने, क्या कहते हैं वर्म का वाइट करके नाम से कोई दवाई होती है, वो इन्वेंट करी होती है। उसको पीने के बाद ना जो लोग हैं वो मतलब क्या कहते हैं जवान हो जाते हैं और स्ट्रांग भी हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं कई लोग उसे पी के ना मतलब गायब भी हो जाते हैं, वो इतनी स्ट्रांग होती है। और एक आदमी की तो जो क्या कहते हैं एज ना माइनस में चली गई थी, तो माइनस 87 हो गई थी उसकी एज, और तो उसे माइनस मतलब 87 ईयर्स उसे वेट करना पड़ेगा दुनिया में आने के लिए, इतनी ज्यादा हो गई। मिस्टर वर्म का सेट, so once again I rolled up my sleeves and set to the work. Once I squeezed my brain searching for new recipe I had create age to age make a people old and oldest. Ha ha ha, I cried. For now ideas were bringing off to cup. तो यहाँ पे होता है जो मिस्टर वर्म का होते हैं वो अपनी स्लीव्स को मतलब मोड़ते हैं और बोलते हैं कि यार आज तो मैं कुछ काम करूंगा ही करूंगा, कहते हैं ऐसी दवाई बनाऊंगा ना कि जो क्या कहते हैं जो लोगों को ना बूढ़ा बूढ़ा और बूढ़ा बना दे। वट इज द ओल्ड लिविंग इन द वर्ल्ड ही लिव लॉन्गर एनीथिंग एल्स। तो क्या कहते हैं वो बोलते हैं कि वो करते हैं काम, अ ट्री चार्ली से राइट यू आर चार्ली बट काइंड ऑफ द ट्री नॉट वॉज द डोगलस फायर नॉट ओक नॉट फॉर सिडार एंड नो माय बॉय। तो बोलता है चार्ली बोलते हैं कि एक ट्री जो है वो सबसे पुराना होता है, तो बोलते हैं कि वो क्या कहते हैं कोई ओक का ट्री तो होगा नहीं, तो कोई ट्री नहीं है। इट इज अ ट्री कॉल्ड द सीडार। तो बोलता है क्या कहते हैं इट इज अ ट्री कॉल्ड द ब्रिस्टल कॉर्न पाइन दैट ग्रो अपॉन द स्लोप ऑफ व्हीलर पीक इन द नेवाडा इन यूएस। ठीक है, यू कैन फाइंड द ब्रिस्टल कॉर्न पाइन ऑन द व्हीलर पीक टूडे दैट ओवर द 4000 ईयर्स ओल्ड। तो बोलता है कि एक है ब्रिस्टल कॉर्न पाइन नाम का एक ट्री है जो क्या कहते हैं वहां पे मिलता है व्हीलर पीक पे मिलता है, ठीक है, निवाडा के यूएसए में, यूएसए में मिलता है निवाडा में, ठीक है। तो बोलता है कई पेड़ ऐसे जिनकी जो उम्र है ना वो 4000 ईयर्स है, ठीक है। दिस फैक्ट चार्ली आस्केड द डेंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मतलब ये होते हैं जो पेड़ की एज बताते हैं। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ आई जंप इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर एंड रश ऑल द कलेक्टिंग, मतलब कुछ आइटम्स क्या कहते हैं मतलब वो करते इकट्ठा करते हैं। प्रिंट ऑफ सैफ फ्रॉम अ 4000 ईयर्स ऑफ ब्रिस्टल कॉर्न पाइन ट्री। तो एक ब्रिस्टल कॉर्न पाइन ट्री इकट्ठा करते हैं, उसका मतलब लकड़ी के टुकड़े इकट्ठा करते हैं जो 4000 साल पुराना है। द टो नेल ऑफ क्लिपिंग फॉर अ 168 ईयर रशियन फार्मर कॉल्ड द पेट्रोविच एंड द ग्रीक रोविच। तो यहाँ पे एक क्या कहते हैं फार्मर होता है, वो उसका एक पैर का अंगूठा ले आता है जो 168 ईयर्स पुराना होता है। एंड एग लेड बाय द 200 ईयर्स टॉर्टोइस बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ द टोंगा। तो मतलब एक कछुए का अंडा लेके आता है जो 200 साल पुराना था, एक तेल लेके आता है जो क्या कहते हैं उसकी थी घोड़े की, और 36 ईयर बिल्ली की मूछे लेके आ जाते हैं। द ओल्ड फेलो लीव द क्रम पैड्स ऑफ 36 ईयर द टेल ऑफ 2000, मतलब एक क्या कहते हैं जो बड़ा सा चूहा था उसके 207 साल पुरानी पूछ लेके आते हैं। द ब्लैक टीथ ऑफ द 97 ईयर्स ऑफ लिविंग एंड केव एंड माउंट। तो एक क्या कहते हैं ग्री मलिक होता है, तो उसके क्या कहते हैं काले दांत ले आता है जो 97 ईयर्स पुराने होते हैं। कुनो क्ले बोन्स ऑफ द 7 ईयर्स लॉर्ड ऑफ कैटालू फ्रॉम पेरू। तो पेरू से वो क्या लेके आते हैं 7000 साल पुरानी हड्डियां। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वर्म का वेंट ऑन द ट्रैक ऑफ वेरी ओल्ड एंशियंट एनिमल एंड द इम्पोर्टेंट लिटिल बिट समथिंग फ्रॉम द। तो जो चार्ली होते हैं ना अब वो ये सब चीजें लेके आते हैं पुरानी चीजें, तो क्या कहते हैं वो बोलते हैं कि इसमें से बहुत सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट, तो पर मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे वो ये बोलते हैं। आई ट्रैक डाउन द विसल पीक एंड द, मतलब वो सब चीजों के नाम बोलते हैं कि मैं ये सब चीजें लेके आया हूँ, ठीक है। वेनस ऑफ सीक्वेंस एंड स्वीट पॉइजन, तो मैं एक ऐसे सांप का क्या कहते हैं जहर भी लेके आया जो अपनी आंखों से ना क्या कहते हैं जहर फेंकता है, ठीक है, 50 यार्ड्स अवे, मतलब हमारे खेत 50 यार्ड से पहले लेके आया था ये हमें।
बट देर आर नो टाइम टेल यू देम ऑल, लेकिन अभी कोई टाइम नहीं है कि तुम सब कुछ मैं अभी बताऊं, मतलब जो जो वो लेके आए हैं वगैरह वगैरह। चार्ली मी, लेट मी जस्ट से क्विकली, इन द एंड आफ्टर लोड्स ऑफ बॉइलिंग बबलिंग मिक्सिंग एंड टेस्टिंग माई इन्वेंशन रूम, आई प्रोड्यूस 1 teeny cupful ऑफ 1 black liquid एंड गेव 4 drops टू 20-year-old उपमा लुपमा वॉलंटियर टू सी हैपन। तो अब यहाँ पे क्या होता है, वो अपने के लिए टेस्टिंग करते हैं अपने उसकी मिक्सचर की, जहां से बहुत बबल निकलते हैं और हीट निकलती है, ठीक है। अब वो एक और क्या कहते हैं, लुकमा उपमा नाम का कोई होता है, तो उस पर वो ये इन्वेंशन करते हैं जो उन्होंने अभी दवाई बनाई है, ठीक है, उस पर करते हैं। तो व्हाट डिड हैपन, चार्ली आस्क, चार्ली बोलता है तो क्या हुआ मतलब, तो वो बोलता है कि इट वॉज सुपर फैंटास्टिक, मतलब वो बहुत अच्छा, मतलब अच्छा रहा, मतलब क्या कहता है, जादूरा क्राइड मिस्टर वोंका, मिस्टर वोंका ने कहा। He began wrinkling and shriveling up over the hairs and starting dropping off the his teeth, started falling out and land it knew it. He had suddenly became old and fellow 5, so 75. तो एकदम से ना क्या कहते हैं, वो क्या हो जाते हैं, एकदम से बूढ़े हो जाते हैं। कितने साल के हो जाते हैं, 75 years old के हो जाते हैं, बताओ कितने साल हो जाते हैं। अब जो 20 years के, जो 20 साल के होते हैं, वो कितने में क्या कहते हैं चेंज हो जाते हैं, 75 years में। वो मतलब दवाई ने उनको इतना बूढ़ा बना दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, सडनली बिकेम एन ओल्ड सेवन, मतलब उनके दांत वात जो है वो झड़ जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं, ठीक है। दस माई डियर चार्ली वॉज वीटा इन्वेंटेड, तो यही वीटा का इन्वेंशन है, ठीक है। तो करते हैं आप क्वेश्चन आंसर, यह पेज नंबर 101 के क्वेश्चन आंसर है आपके, ठीक है। चूज द राइट आंसर, मिस्टर विली वोंका अ कुक एंड अन इन्वेंटर अ मैनेजर, तो क्या थे वो, एक इन्वेंटर थे। यहाँ पे मतलब टिक मार के मिस्टर वोंका, यहाँ पे चलो वहीं पे क्वेश्चन को लेके दूर हो जाएगा बेटा, तो मैं पढ़ लेती हूँ, अपनी नोटबुक में देख लेना। वोंका वाइट मेड पीपल ओल्डर एंड यंगर, मतलब लोगों क्या बनाते थे, जवान बनाते थे, बूढ़ा बनाते थे, तो लोगों को जवान बनाते थे। मिस्टर वोंका वॉन्ट टू इन्वेंट अ न्यू थिंग विच विल मेक पीपल यंगर और ओल्डर, उन्होंने क्या चीज बनाई थी जिससे जो लोग हो रहे थे बूढ़े बन रहे थे, जवान बन रहे थे, तो बूढ़े बन रहे थे, जो 20 years का जो था वो उपमा लुपमा वाला, वो कितने का हो गया, 75 years का हो गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मिस्टर वोंका बींग्स बाय आस्किंग हिमसेल्फ टू क्वेश्चन, व्हाट आर दे, व्हाट इज ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, पुरानी चीज में क्या है, ये तो अपने उपमर्जी से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये दो क्वेश्चन कर लेना आप। अब पेज नंबर 102 पे आते हैं, इसी के ऊपर ये क्वेश्चन आंसर है, बच्चों दिखा देती हूँ मैं आपको, ये भी ठीक है, करते हैं चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट ट्री डज मिस्टर वोंका मेंशन, व्हिच ट्री डज ही से लीव लोग, तो मिस्टर वोंका ने कौन सा ट्री मेंशन किया और कौन सा ट्री जो था वो ज्यादा देर तक रहता था, मतलब हमेशा रहता था वो। द ट्री ऑफ मिस्टर वोंका मेंशन ऑफ डोगलस फिर एंड ओक एंड सीडार, तो मिस्टर वोंका ने ओक सीडार नाम के ट्री का बताया, लेकिन जो ब्रिस्टल कोन ट्री था वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक जीता था। क्वेश्चन नंबर सेकंड था, हाउ डज द ट्री लीव एंड वेयर कैन यू फाइंड, जो ट्री था वो कहाँ रहता था और वो कहाँ पे मिला, ठीक है। 4000 साल पुराना, तो कहाँ रहता था, व्हीलर पीक में रहता था, न्यू यॉर्क, यूएसए में, ओके। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी आर द ओल्डेस्ट थिंग्स कैन यू रिमेम्बर मिस्टर वोंका लिस्ट, तो यहाँ पे जो मिस्टर वोंका ने जो बहुत पुरानी पुरानी चीजें इकट्ठी करी, तो मैं तुम्हें उसकी लिस्ट बनानी है यहाँ पे। तो क्या है, विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ 4000 year old पाइन ट्री एंड मेंशन मिस्टर वोंका, ये सब चीजें जो उन्होंने लेके आई थी, प्योरली इमेजिन, ठीक है। तो ये सारी चीज जो पुराने साल, वो बिल्ली की मूछे, मेडक, क्या कहते हैं वो, जो उसके पैर पे अंगूठा था, जो फार्मर थे उसके पैर पे अंगूठा था, वो सब लेके आए थे। Why does Mr. Wonka collect items from the oldest thing? Do you think this is a right way of to begin invention? Mr. Wonka collected items oldest thing because he wanted to create age, wanted invented to make people older. तो वो एक ऐसी दवाई, मतलब ऐसा invention करना चाहते हैं जिससे जो लोग हैं ना वो और बूढ़े हो जाएं, ठीक है। It was probably right away the invention of the people older, therefore older things and appropriate. तो वो बहुत बूढ़े हो जाए इस वजह से उन्होंने ये invention करा था। What was What happened to volunteer who sell 4 drops of your invention? Name the name of inventor. तो उन्हें कितनी ड्रॉप डाली थी? तो ये अब यहाँ पे जो लुकमा उपमा है ना, उसको मतलब बताना है कि उसे हुआ क्या था। The mention of brave 20 year उपमा लुकमा volunteer selling 4 drop new invention will begin ringing and shrilling of all. तो एकदम से ना मतलब कब कवाने लग गए। His hair started dropping and he started falling out. उसके जो बाल और दादा झड़ने स्टार्ट हो गए।
बट मिस्टर वोंका न्यू द वॉलंटियर हैड सेड द बिकम ओल्ड मैन 75। तो मिस्टर वोंका चाहते थे कि ये जो एज है ना ये 75 बढ़ा देगी, ठीक है। तो उनका वीटा वोंग इन्वेंशन था। पेज नंबर 103, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स एसीपी द बेलो ऑफ विच वर्ड। तो वन क्या है? अनियन। क्या है? अनियन। ओके ऐसी वन कप दाल, टू थिन ग्रीन चिली, डैश अ हाफ स्पून रेड चिली। तो यहाँ पे मतलब आपको ऐसे बताना है, एट स्मॉल बंच, स्मॉल मतलब बंच मतलब गुच्छे जो होते हैं, टू टमाटो, सोल्ट टू टेस्ट, क्योंकि नमक को तो ऐसा मापते नहीं कि दो नमक दे दू, ऐसे टेस्ट बोलते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल लू। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, आपके क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जो हमारे नए कहते हैं चैप्टर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो सब तक के लिए बाय बाय। अब इसकी जो नेक्स्ट स्टोरी है ना, तो कैट वाली वो करेंगे।